हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था मेरा अभी तक, तो मैंने सोचा चलो वापस आते हैं। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल से पता चल ही गया होगा और उसके टाइटल से, कि हाउ टू गेट अ फुली यूके लाइसेंस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ऑल्सो साथ के साथ हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे कि फुल लाइसेंस लेने का क्या प्रोसेस है। तो मैंने कुछ नोट्स रेडी करे हैं अपने पास, तो हम एक एक करके बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप वन की, जो है प्रोविजनल लाइसेंस। तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो बता देते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो उसके दो प्रोसेस हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन आप DVLA की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए होगा, और आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ, नेम और एड्रेस हिस्ट्री, और साथ में आपका BRP कार्ड। और अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पर जाके आप D1 फॉर्म मांग लेना, और उसको फिल करके ओरिजिनल BRP के साथ एड्रेस पे भेज देना। मैं एड्रेस और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको इजी रहेगा फाइंड आउट करने के लिए। इसकी फीस होती है £34, और आप ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास 185 डेज से ज्यादा की परमिशन हो यूके में स्टे करने की, तभी आपको BRP कार्ड मिलता है, जिसको वीजा भी कहा जाता है। तो ये तो पहला प्रोसेस था प्रोविजनल लाइसेंस का, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अब आता है स्टेप टू, वो है थ्योरी टेस्ट। गेम होता है यहां से शुरू असली लाइसेंस लेने का। तो पहला पार्ट है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां पर आपको 43 स्कोर करना होता है आउट ऑफ 50। सेकंड आता है हजार्ड परसेप्शन, जहां पर 44 आउट ऑफ 75 स्कोर करना होता है। आपको दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है, नहीं तो आपका थ्योरी टेस्ट पास नहीं माना जाता है। पहला है MCQ, इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें होता है द हाईवे कोड। बेसिकली हाईवे कोड एक रूल बुक है, हैंडबुक मान लीजिए आप, जहां पर आपको रूल्स के बारे में पता चलेगा एज अ ड्राइवर आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। आपको ट्रैफिक साइंस के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, और स्किल्स के ऊपर, ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे MCQ में। तो इसके लिए मैं एक ऐप रिकमेंड करूंगा, एक DVSA थ्योरी टेस्ट किट ऐप आती है, मैं यहाँ पर एक फोटो डाल देता हूँ उसके साथ। ये £5 की ऐप स्टोर पर आपको मिल जाएगी। मैं पर्सनली मैंने बहुत यूज किया है, तो बहुत यूजफुल ऐप है, आप ये डाउनलोड कर लेना। इस पर आप अपना क्विक टेस्ट और मॉक टेस्ट कर सकते हैं। जब आप अच्छा स्कोर करने लगो, मैं बोलूंगा, तब आप अपना थ्योरी टेस्ट बुक कर लो और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया MCQ का पार्ट। हैजर्ड परसेप्शन सेकंड पार्ट है, जिसमें कि आपको छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं, 14 15 वीडियोज आती है, छोटी छोटी 14-15 सेकेंड की ईच। तो उसमें आपको हैजर्ड आइडेंटिफाई करना होता है। तो वह आप, जैसे मैंने अभी ऐप बताया, तो उसमें आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो MCQ और हैजर्ड परसेप्शन दोनों की आप उस ऐप में प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो बहुत यूजफुल रहेगा। और मेन बात यह है कि जो थ्योरी टेस्ट है आपका, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, आप जिस दिन से पास करते हो। जैसे आज आपने आज पास किया, तो आज से नेक्स्ट 2 ईयर्स तक वो थ्योरी टेस्ट वैलिड रहेगा। उसी 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करना है और पास होना है। तो अब आ जाता है स्टेप 3, जो है प्रैक्टिकल टेस्ट। अब आपने थ्योरी टेस्ट पास कर लिया, अब आपको ट्रैफिक साइंस की नॉलेज हो गई है, आपको रूल्स का पता चल गया है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको टेस्ट के दौरान। सबसे पहले बात करते हैं फीस की। तो अगर आप वीकडेज का आपको स्लॉट मिलता है, तो उसका है £62। अगर आपको वीकेंड्स, इवनिंग्स और बैंक हॉलीडे का स्लॉट मिलता है, तो उसकी फीस है £75। ये इजी नहीं है स्लॉट लेना, बहुत 6-6 महीने तक आदमी वेट करता है, तब जाके स्लॉट मिलता है। तो हम बात कर रहे थे इसकी फीस की। तो फीस है ऐसे, तो मेरा पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़े से ड्राइविंग लेसेंस ले लो। आपको ड्राइविंग आती है, फिर भी आप थोड़े से लेसन ले लेना। मैंने लिए थे बिल प्लांट के साथ, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अगर आपके एरिया में वो अवेलेबल है। तो पहली बात, इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा, आपको प्रिपेयर करेगा एग्जाम के लिए। अगर आप कोई गलती कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करवाएगा, और आपको वो भी ये इतना भी बता देगा कि आपको कितने लेसन की जरूरत है। हो सकता है आपको सिर्फ 2 घंटे की लेसन की जरूरत हो, और हो सकता है आपको
10 घंटा वो रिकमेंड करे। हाँ ऑब्वियसली बहुत महंगा पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट 35 अप्रोक्सीमेटली पर आवर चार्ज करते हैं, तो बहुत महंगी चीज है, तो सोच समझ के आगे बढ़ना। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहा है कि आप लाइसेंस ले लो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ लेकिन एक बात बता दूं कि प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए आपको एटलीस्ट 185 डेज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स में रहना होगा इन लास्ट 12 मंथ्स, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो उस टेस्ट के लिए। तो और मेन बात, जब आप टेस्ट देने जाओगे तो उस दिन आपको इंस्ट्रक्टर की कार मिल जाएगी, तो इंस्ट्रक्टर से लेसन लेने का ये फायदा है, और आपको अपना प्रोविजनल लाइसेंस रियल वाला ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए, नहीं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे टेस्ट के लिए। और मैं बोलूंगा कि 10-15 मिनट पहले ही आप सेंटर पर पहुंच जाओ, नहीं तो लास्ट लास्ट में रश नहीं होगा और आप पैनिक नहीं करोगे, आप आराम से कामली टेस्ट को दे पाओगे। तो ये बात सारी हो गई, हमने कर ली प्रैक्टिकल टेस्ट की। तो जब आप टेस्ट दे देते हो उसके बाद एग्जामिनर आपको बोलेगा वापस सेंटर पर लेकर जाएगा, हमारा टेस्ट खत्म होगा, फिर वो बोलेगा दिस इज द एंड ऑफ योर टेस्ट। उसके बाद आप सुनना पसंद करोगे कि दिस इज द एंड ऑफ योर टेस्ट एंड यू आर पास। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे क्योंकि मैं बहुत पहले फेल हो चुका था। तो क्या था कि आपको वो फीडबैक देगा, अगर आप गलती करते हो तो आप फेल होते हो तो आपको वो फीडबैक देगा, पास होते हो तो भी आपको फीडबैक देगा। अगर आप पास हो जाते हो तो आपको वो प्रोविजनल लाइसेंस मांगेगा, प्रोविजनल लाइसेंस वो रख लेगा और आपको एक टेस्ट सर्टिफिकेट भर के देगा जो आप थंबनेल में देख सकते हो, पासिंग सर्टिफिकेट आपको वो मिल जाएगा। और जैसे ही आप वो आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है आप ड्राइव कर सकते हो लीगली, लेकिन मेक श्योर गाड़ी पर इंश्योरेंस करा लेना, क्योंकि इंडिया की तरह नहीं कि गाड़ी का इंश्योरेंस कोई भी ड्राइव कर सकता है, आपका इंश्योरेंस उस गाड़ी पर होना चाहिए तभी आप वो ड्राइव कर सकते हो लीगली। तो जैसे ही आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद विद इन अ वीक और मे बी 10 वर्किंग डेज में आपको आपका फुल यूके लाइसेंस ऑटोमेटिकली घर पर आ जाएगा। मेक श्योर आपका एड्रेस अपडेटेड हो उस पर, नहीं है तो आप उसको एग्जामिनर को बता देना मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, तो अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड कर देंगे। मेरे को तो 5 दिन में आ गया था मेरा घर पर लाइसेंस और मैं बहुत खुश था उसके साथ। और अब मैं बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो मेरा बहुत लंबा टाइम पीरियड चला क्योंकि पहले लंदन में था तो मेरे को जरूरत नहीं थी गाड़ी की और लाइसेंस की, अभी मैं बाहर मूव हो गया हूं तो मेरे को जरूरत पड़ी और मैं बहुत रिलाई कर रहा था इस पर कि मेरा टेस्ट हो जाए तो फिर मैं गाड़ी प्लान करूं। फाइनली सब कुछ हो गया। और तो ये था एक छोटा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हाउ टू गेट अ फुल यूके लाइसेंस इन द यूके। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कोई डाउट क्वेरीज और सजेशंस हो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेहनत लगती है थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।